तो चलिए आज हम सीखेंगे फ्रिज के अंदर गैस कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। किन किन विधि के द्वारा फ्रिज के अंदर गैस चार्ज किया जाता है, पूरे प्रक्रिया के साथ हम आपको बताएंगे कि आप फ्रिज के अंदर कैसे गैस को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। चलिए हम तो यह होती है ना, किसी भी फ्रिज के अंदर जो गैस चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं होगी। और गैस चार्ज करने के लिए आपको इतना प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सर्वप्रथम इसमें जो गैस चार्ज की जाती है ना, पांच प्रक्रियाओं से की जाती है। कितने प्रक्रिया से? पांच प्रक्रिया से। सबसे पहले इसमें हमारा होता है एनआरबी लगाना। देखिए पहले तो पिंच करना आता था ना, पिंच करने के स्थान पर अभी इस टाइम आ गया एनआरबी लगाना, ठीक है ना, एनआरबी लगाना। पहले वाल्व, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं पर भी गैस चार्ज करने जाएंगे तो सबसे पहले एनआरबी लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, फ्लेक्सिंग करना है, फिर प्रेशर चढ़ाना है, फिर वैक्यूम करना है, फिर गैस चार्ज करना है। यानी आपको टोटल पांच प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ेगा किसी भी सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करने के लिए। यानी चाहे सिंगल डोर फ्रिज हो, चाहे डबल डोर फ्रिज हो, यानी किसी भी चीज के, जितने भी कूलिंग करने वाले सिस्टम होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो आपको पांच प्रक्रियाओं के साथ गुजरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरे वीडियो का प्रोसेस बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें हम आपको दो विधि बताएंगे इसके अंदर। आज इस वीडियो में हम सिर्फ दो प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे, हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ दो प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे और हम पूरे मिला जुला कर तीन चार प्रकार, मतलब तीन चार पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे कि गैस कैसे चार्ज किया जाता है। अगर सारे पार्टों को आप देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप फ्रिज के अंदर गैस चार्ज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं एनआरबी लगाना। इसमें आप देख लेना, फ्रिज में जो सबसे पहली प्रक्रिया होगी क्या करना, एनआरबी लगाना। देखिए जो न्यू कंप्रेसर यानी जो न्यू फ्रिज होते हैं ना, जो कि कंपनी से लग के आते हैं, उसमें आज भी एनआरबी लग के नहीं आ रहा है, वो पाइपिंग वाल्व लग के नहीं आ रहा है, उसमें जितने भी आ रहे हैं ना सभी पंच करके आ रहे हैं। तो कहीं पर भी हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो सबसे पहले करेंगे एनआरबी लगाना। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा क्या है, एनआरबी लगाना। किसी भी फ्रिज या सिस्टम के अंदर आप गैस चार्ज करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक करना होगा कि वहां पर जो चार्जिंग लाइन लगी रहेगी ना, अगर पहले से ऑलरेडी उसमें एनआरबी लगा है, यानी ऐसा एनआरबी वाल्व होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ना, अगर पहले से एनआरबी वाल्व अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, गैस को चार्ज कर सकते हैं। अगर एनआरबी के बारे में आप समझना चाहते हैं तो एक हमने स्पेशल तौर पे उस एनआरबी वाल्व की वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि एनआरबी वाल्व कैसे काम करता है। तो कहीं पर भी हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो जो उसके कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन रहेगी ना, सर्वप्रथम कोई भी प्रक्रिया करने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि जो कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन रहेगी, अगर एनआरबी वाल्व लगा है तो उस एनआरबी वाल्व को खोल लेंगे, या तो अगर किया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, काट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी गैस वगैरह रहेगी वो क्या होनी चाहिए, निकल जानी चाहिए। अगर इसमें गैस रहेगी, अगर कोई भी हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यानी उसमें जैसे मान लीजिए कि यार 600 गैस है तो उसमें आग लगने के चांस होंगे। अगर यार अगर उसमें 134 भरा गया है, 134A भरा गया है, तो चलिए उसमें तो आग नहीं लगेगी, लेकिन आप जब उसमें क्या हो सकते हैं, डर सकते हैं। प्रेशर जब इसके अंदर से निकलेगा उस गैस का ना, तो उस प्रेशर से आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम हमें चार्जिंग लाइन रहेगी उस चार्जिंग लाइन को क्या करेंगे, खोल लेंगे। यानी अगर पिंच किया रहेगा तो उसको ट्यूब कटर के माध्यम से काट लेंगे। अगर नहीं भी गैस है तो भी अगर रहेगी तो निकल ही जाएगी। इसीलिए सर्वप्रथम हमें पहली प्रक्रिया करना पड़ेगा कि जहां पर कंप्रेसर की जो चार्जिंग लाइन रहेगी ना, उस लाइन को हम ट्यूब कटर के माध्यम से काट लेंगे, या तो पहले से एनआरबी वाल्व लगा रहेगा तो इसके वाल्व को क्या करेंगे, खोल लेंगे, ठीक है, पहला प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद देखिए इसके अंदर जो कि ये प्रक्रिया करने के बाद हम दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं। यानी ये प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हुई ना, अब हम दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं, क्या है, फ्लेक्सिंग करना। क्या करना, फ्लेक्सिंग करना। देखिए फ्लेक्सिंग करने का मतलब ये होता है ना कि इसके अंदर के जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं ना, जो कि ऑयल जमा होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, यानी कि जो बर्फ वगैरह किसी कारण से नमी वगैरह चली जाती है, जिससे हमारा सिस्टम क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेक्सिंग करते हैं। यानी उसके अंदर के जो नमी वगैरह रहती है, कंप्रेसर से जो ऑयल वगैरह चढ़ जाता है, उसको निकालने के लिए हम फ्लेक्सिंग करते हैं। तो हमारे फ्रिज में दो प्रकार से फ्लेक्सिंग की जाती है, यानी दो जगहों से फ्लेक्सिंग की जाती है। पहला हमारा होता है कंडेंसर की फ्लेक्सिंग, दूसरा हमारा होता है एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग, ठीक है। अगर इन दोनों की फ्लेक्सिंग हम कर देते हैं तो इसके अंदर के जितने भी मॉइस्चर होते हैं, ऑयल होते हैं, वो यहां से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, हमारी फ्रिज क्या हो जाती है, फिर से चोक होने से बच जाती है। तो सर्वप्रथम हम कहीं पर भी जाएंगे चार्ज गैस चार्ज करने के लिए तो सबसे पहले तो एनआरबी लगाएंगे, दूसरा हमारा फ्लेक्सिंग करना। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडेंसर का
देखिए कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करेंगे, सर्वप्रथम हम कहीं पर भी जाएंगे तो सर्वप्रथम कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करेंगे, इसके बाद इवेपोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कुछ नहीं सिंपल सा एक बात होता है कि देखेंगे ना जहां पर फिल्टर लगा होगा, यानी कंडेंसर के आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा उसको ट्यूब कटर के माध्यम से या तो वेल्डिंग गन के माध्यम से गर्म करके क्या करेंगे अलग कर लेंगे। देखिए आप अगर वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग करते हैं तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि पाइपें क्या होंगी अगर बार बार आप काटेंगे तो छोटी हो जाएंगे, इसलिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए कभी भी गैस चार्ज करने जाना चाहिए ना वहां पर हमें क्या कर देना चाहिए, वेल्डिंग गन से गर्म करके इसको अलग कर लेना चाहिए। यानी कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, जब आप पीछे जाएंगे तो यहीं पर फिल्टर लगा होगा ना, डायरेक्ट हम देख लेंगे कि एक जो हमारा कंडेंसर है ना उसका आउटपुट कौन सा है, डायरेक्ट इस कंडेंसर का आउटपुट आप देख लेंगे, जहां पर फिल्टर जुड़ा होगा वही कंडेंसर का क्या होगा आउटपुट होगा। इसको हम क्या करेंगे वेल्डिंग गन से गर्म करके ट्यूब कटर के माध्यम से काट करके अलग कर लेंगे। चलिए देखते हैं ना इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे ना, तो हमारा ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा हमारा अलग और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर के कचड़े को निकालेंगे, यानी कंडेंसर के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह ऑयल वगैरह जमा है ना उसको हमें क्या करना है बाहर करना है। अब इसमें क्या करेंगे बाहर करेंगे, बाहर करने के लिए हम अपने कंप्रेसर को ऑन करेंगे। देखिए देख रहे हैं ना अन जो सिस्टम का कंप्रेसर रहेगा ना उसको क्या करेंगे ऑन करेंगे, और जैसे ही ऑन करेंगे ना ये चार्जिंग लाइन से और कुछ यहां से जहां से आपने यहां उसको खोला है ना, देखिए ये जो फिल्टर है ना फिल्टर के यहां से भी कुछ हवा को खींचेगा, कुछ चार्जिंग लाइन से हवा को खींचेगा, और यहां से हवा जब यहां से निकलेगी तो डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है ना, तो यहां पर अपने हम क्या करेंगे हाथ के अंगूठे को देखिए ध्यान से इसको काट करके अलग कर लेंगे। अब कंप्रेसर को ऑन करेंगे और अपने हाथ के अंगूठे को यहां पर जो कंडेंसर के आउटपुट की जो पाइप रहेगी ना देखिए यहां पर इस प्रकार से हाथ के अंगूठे से इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे हाथ के अंगूठे से दबा लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे जैसे ही कंप्रेसर यहां से चलेगा कुछ चार्जिंग लाइन से गैस को खींचेगा, कुछ हमारा कहां से खींचेगा यहां से जहां से हमने फिल्टर को अलग किया है, जब इसको हम इस प्रकार से दबा के रखेंगे ना तो इस कंडेंसर में पूरा क्या भरेगा प्रेशर भरेगा, यानी हवा का प्रेशर भरेगा। जब इसके अंदर जब हवा का प्रेशर ना तो इसको हाथ के अंगूठे को हम क्या करेंगे झटके से हटाएंगे, जब हमें लगेगा कि हमारे हाथ के अंगूठे को कम प्रेशर जाएं जो प्रेशर से क्या कर रहा है पीछे की साइड में फेंक रहा है तो इसको हम क्या करेंगे झटके से हटाएंगे। जब हाथ के अंगूठे को आप झटके से हटाएंगे ना तो इसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह रहेगा ऑयल वगैरह रहेगा वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी अंगूठे को इस प्रकार से झटके से हटाएंगे। जब झटके से हटाएंगे तो इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर वगैरह रहेगा ना वो प्रेशर से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर रहेंगे वो ऑयल वगैरह रहेंगे वो प्रेशर से क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे। ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे कि जब तक पूरे कंडेंसर से वो ऑयल वगैरह वो मॉइस्चर वगैरह बाहर ना आ जाए, ठीक है। अगर वो बाहर वगैरह आ गए इसके साथ में देखिए अब ये आप कर रहे हैं ना तो इसके साथ में चाहे तो वेल्डिंग गन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं इनके पाइपों को हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर जो ऑयल वगैरह जो जमा होगा ना जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो भी पिघल के झटके से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वेल्डिंग गन से अगर इसके अंदर गैस सिस्टम है तो कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, जब हम फ्लेक्सिंग कर रहे हैं सब काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेल्डिंग गन को लीजिए और यहां से हाथ के अंगूठे को दबाइए और हल्का हल्का इसको क्या कर दीजिए गर्म कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा गर्म होके झटके से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम जब तक करेंगे कि जब तक पूरे कंडेंसर से ऑयल और मॉइस्चर आना बंद न हो जाए, जब हमें लगेगा कि नहीं इसके अंदर से कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आ रहे हैं तो हम सर्वप्रथम अपने कंप्रेसर को फिर से क्या करेंगे बंद करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे, क्या करेंगे ऑफ कर देंगे। जब कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे इसके अंदर का जो कचड़ा था वो क्या हो गया बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है कि एवापोरेटर यानी एवापोरेटर का कचरा निकालना है, यानी कंडेंसर को तो हमने साफ कर लिया ना यानी यहां पर कोई कचरा नहीं है, अब हमें क्या करना है एवापोरेटर का कचरा निकालना है। तो एवापोरेटर का कचरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना इस प्रक्रिया को जब भी हम करेंगे तो यहां पर आपने फिल्टर को निकाला था ना यानी यहां से काट के अलग कर लिया ना, तो यहां पर हम हमेशा नया फिल्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां पर जब भी हम करेंगे ना जब भी हम किसी भी फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करने जाएंगे तो हमेशा हमें नया फिल्टर ही लगाना है, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर फिल्टर के अंदर ये जाली होती है ना तो उस जालियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो आयल वगैरह जाकर के वहां क्या हो जाते हैं जमा हो जाते हैं, जिससे उनका व्यास क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो हमें क्या करना है
कि यहां से इसको हम क्या करेंगे, हमेशा भी नया फिल्टर लगाएंगे। जब भी हम गैस चार्ज करने जाएंगे और फ्लेक्सिंग करेंगे तो उसमें हम नया फिल्टर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम इस प्रकार से नया फिल्टर फिर से वेल्डिंग गन और ब्रिजिंग रॉड के सहारे से, और यहां पर जब इसको ज्वाइंट करेंगे ना तो फ्लक्स पाउडर की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसको फिर से हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इस प्रकार से नया फिल्टर बदल देंगे। ठीक है, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है ना वो होती है फिल्टर, नया फिल्टर को क्या करना बदलना। अब नया फिल्टर जब हम लगा देंगे ना तो फिर से हम क्या करेंगे एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। किसकी करेंगे, एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कुछ नहीं, एवापोरेटर का आउटपुट यानी किसी भी चीज की हम अंदर के जो कचरे को निकालेंगे, क्या इनपुट को यहां से खोल देंगे तो कचरा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। हमें क्या करना है आउटपुट के कचरे को निकालना है, क्योंकि हमने नया फिल्टर भी लगा दिया और कंडेंसर को भी साफ कर दिया तो इसमें अंदर कोई कचरा वगैरह नहीं है। जितने भी कचरा होंगे कैपिलरी में भी हो सकते हैं और क्या होगा एवापोरेटर में होगा। तो यहां से जब हम क्या करेंगे कंडेंसर के आउटपुट से खोलेंगे ना तो कैपिलरी की भी फ्लेक्सिंग हो जाएगी और साथ में एवापोरेटर की भी हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ नहीं, कंप्रेसर के पीछे आएंगे यानी फ्रिज के पीछे आएंगे तो आप देखेंगे उसमें जो सक्शन लाइन होती है ना वही एवापोरेटर का क्या होता है आउटपुट होता है। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो पाइप आ रही है ना यही हमारी क्या होती है सक्शन लाइन होती है, यानी कंप्रेसर की सक्शन लाइन जो होती है एवापोरेटर का आउटपुट होता है। तो हम क्या करेंगे एवापोरेटर के आउटपुट अर्थात कंप्रेसर के सक्शन लाइन को वेल्डिंग गन या ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना इसको फिर से हम क्या करते हैं काट करके गर्म करके अलग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग करेंगे और इसके बाद फिर से कंप्रेसर को क्या करना है ऑन करना है। देखिए फिर हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना कंप्रेसर को जब ऑन करेंगे तो कुछ सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और चार्जिंग लाइन ऑलरेडी खुली हुई है तो दोनों सीधा से हवा को खींच करके डिस्चार्ज लाइन से ऐसे फेंकेगा तो ये कंडेंसर से हो करके कहां जाएगी फिल्टर में जाएगी, फिल्टर से होकर के कैपिलरी से होकर के एवापोरेटर में जाएगी। और यहां पर हम क्या करेंगे अपने हाथ देंगे इन पाइपों को, जो इसकी आउटपुट की पाइप रहेगी ना इसको हाथ के अंगूठे से क्या करेंगे दबा करके रखेंगे इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं ना इस प्रकार से फिर से हम क्या करेंगे दबा करके रखेंगे। एवापोरेटर के आउटपुट यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन जो रहेगी उसको काट के अलग कर लिया, कंप्रेसर को चालू किया। अब यहां पर इस हाल जब चालू करेंगे तो सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा, चार्जिंग लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा तो इस प्रकार से हो करके हमारी यहां पर जाएगी। अगर देखिए यहां पर अगर यहां पर प्रेशर अगर अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, ये जो हाथ का अंगूठा है ना ये प्रेशर हाथ के अंगूठे को पीछे के साइड नहीं फेंक रहा है तो इसका मतलब कि हमारी कैपिलरी भी क्या है चोक है, उस अवस्था में हमें कैपिलरी को बदलना पड़ेगा। अगर यहां पर प्रेशर अच्छा खासा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां तक हमने फ्रेश दिया है, हमारी कैपिलरी भी क्या है फ्रेश है, जो भी ऑयल वगैरह रहेंगे मॉइस्चर वगैरह रहेंगे एवापोरेटर के यहां से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अगर यहां पर प्रेशर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी कैपिलरी जाम नहीं है। इसको हम क्या करेंगे जब तक दबा कर रखेंगे कि जब तक हमारे हाथ के अंगूठे को क्या करेगा प्रेशर फेंकेगा नहीं, जब हमें लगे कि नहीं हमारे हाथ के अंगूठे को प्रेशर से फेंक रहा है तो हम क्या करेंगे हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो कचरा जो मॉइस्चर वगैरह होंगे नमी वगैरह होंगे ना वो क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एक प्रक्रिया हम जब तक करेंगे कि जब तक पूरे एवापोरेटर के अंदर का कचरा आना बंद न हो जाए, जैसे हमने और इसके साथ साथ हम चाहें तो वेल्डिंग गन के माध्यम से एवापोरेटर यानी फ्रिज के अंदर जहां पर एवापोरेटर लगा होता है उसको हल्का हल्का क्या कर सकते हैं गर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो आयल वगैरह जाए रहेंगे ना यानी बैठे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे बाहर की साइड में चले आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कोई मॉइस्चर नहीं आ रहा है यानी कोई भी ऑयल वगैरह नहीं आ रहा है, जब ये लग जाए कि नहीं यहां पर कोई हाथ के अंगूठे से दबा कर रखे हैं और यहाँ पर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि नहीं एवापोरेटर के भी अंदर का पूरा कचरा क्या हो चुका है बाहर आ चुका है यानी उसके अंदर कुछ भी बचा नहीं है। फिर हम अपने कंप्रेसर को क्या कर देंगे बंद कर देंगे यानी कि ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने पूरे कचड़े को बाहर कर लिया ना, पूरे कचड़े को जब बाहर कर लेंगे तो कंप्रेसर को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहां से फिर से देखिए अब इन पाइपों को फिर से जोड़ लेंगे, यहां पर जोड़ने के लिए हमें डायरेक्ट वेल्डिंग गन और ब्रिजिंग रॉड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों कॉपर कॉपर की पाइपें रहेगी ना तो आसानी से क्या हो जाती है जुड़ जाती है। यहां पर जब लोहे और कॉपर को जोड़ा जाता है तो फ्लक्स पाउडर की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो हम यहां पर क्या करेंगे सिर्फ जोड़ लेंगे। जब यह प्रक्रिया हो जाएगी तो अगली प्रक्रिया हमारी होगी प्रेशर चढ़ाना। देखिए ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में बताएंगे, यानी हमारा पहला पार्ट होगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसके
के अंदर प्रेशर किस प्रकार से चढ़ाया जाता है और प्रेशर क्यों चढ़ाया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है, दो प्रक्रियाओं के बारे में बताया है कि एनआरबी क्यों लगाया जाता है, दूसरा फ्लेक्सिंग कैसे किया जाता है। तो अगर ध्यान से इस वीडियो को आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप भी सीख गए होंगे कि फ्रिज के अंदर में गैस चार्ज करने के लिए आपको फ्लेक्सिंग किस प्रकार से किया जाता है, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं, वापरेटर की फ्लेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेशर किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।